कोटा में हमें 10 दिन के लिए दिवाली की छुट्टियां मिली जाती थी, और ये जो दिवाली की छुट्टियां होती थी ना, ये टीचरों को मास्टरों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर एक टीचर ये बोलता था कि इन 10 दिन में ना तुम सब के सब बर्बाद होके आओगे। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि जब बच्चा अप्रैल में कोटा में आता है, तो अप्रैल में जब वो कोटा में आता है, वो देखता है कि यार यहाँ पे तो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, यहाँ पे तो बहुत सारा कंपटीशन है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे तो दिन के साथ साथ 8-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो शुरू के 2-3 महीने तो वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है। जब उसके बाद वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है, फिर जब अक्टूबर का टाइम आता है, भाई अप्रैल से लेके अक्टूबर तक उसने अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर लिया कि वो दिन के 7-8 घंटे पढ़ेगा। जैसे ही अक्टूबर आता है, दिवाली आती है, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, 10 दिन की उसको छुट्टियां मिलती हैं। इन 10 दिन में जब वो घर जाता है ना, तो ये जो 7-8 घंटे वो पढ़ रहा था, वो डायरेक्टली 0 घंटे हो जाता है। भाई घर पे गया है, घूमेगा फिरेगा, दोस्तों के साथ जाएगा, मूवी देखेगा, तो उस समय तो किताब उठाएगा नहीं। तो ये जो पूरा मोमेंटम उसने बनाया था, ये जो पूरा पेस उसने बनाया था 7-8 घंटे पढ़ने का, ये बिल्कुल 0 हो जाता है इन 10 दिनों में, इन छुट्टियों में। फिर क्या होता है? फिर वो जब वापस कोचिंग आता है उन 10 दिन के बाद, तो अपने आप को देखता है कि यार मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे से तो किताबें ज्यादा देर तक देखी नहीं जा रही है, मेरे को तो घर की याद आ रही है, मेरे को तो घर के अच्छे खाने की याद आ रही है। इससे क्या होता है कि वो जो मोमेंटम उसने इस 5-6 महीने बैठ के बनाया था, वो सारा मोमेंटम टूट जाता है, और वो बच्चा जो है ना, वो आ जाता है कंफर्ट जोन में। क्या सिमिलर सी चीज लग रही है भैया? यार अप्रैल में हमने शुरुआत करी थी इस क्लास की, जिस भी क्लास में आप हो अभी, भैया अप्रैल में शुरुआत करी थी इस क्लास की। जब अप्रैल में पढ़ रहे थे तो अप्रैल और मई खूब दम लगा के पढ़ा, भैया जिस भी बैच में गए थे खूब दम लगा के पढ़ रहे थे, पर ये जो गर्मियों की छुट्टी आई ना, इसमें मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया, मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गई। कैसा ही हो रहा है? हम देख रहे हैं कि यार इस गर्मियों की छुट्टियों में हमने सोचा था कि यार आराम से आखिरी में करेंगे, पढ़ लेंगे, बैकलॉग पे बैकलॉग बने जा रहे हैं, जो चैप्टर शुरू करा था वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं भाई मैथ्स में 3-3 चैप्टर बचे हैं, साइंस में 4-4 चैप्टर बचे हैं, कई बच्चे जो हमारे साथ के थे वो हमसे आगे निकल गए, हमसे अभी तक वही पहले दूसरे चैप्टर पे बैठे हैं। तो ये जो बैकलॉग की इतनी बड़ी फाइल बन गई है, ये जो कंफर्ट जोन में अब आ गए, अब हम पढ़ने बैठते हैं भैया हमारा दिमाग ही नहीं लगता, अब हम भैया थोड़ी देर ही बैठ नहीं पा रहे हैं, अब हम भैया क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारे सामने नया क्वेश्चन आता है हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। कैसा ही हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम आ चुके हो कंफर्ट जोन में। और इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, हर एक बच्चे की लाइफ में ये पॉइंट हमेशा आता है जब वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाता है। और जब वो कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, इस पॉइंट पे उसे चाहिए होता है एक पुश। यू नीड अ पुश। अब तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जिससे कि तुम वापस से उस ट्रैक पे आ जाओ, वापस से वो जो गोल लेके बैठे थे ना कि इस साल भैया क्लास 10th में 95% लेके आऊंगा, भैया इस साल मैं क्लास 10th में 98% लेके आऊंगी, भैया मेरे को इस साल क्लास 10th का टॉपर बनना है, भैया मेरे को तो आपके चैनल पे आना है, भैया मेरे को तो आपके चैनल पे आके इंटरव्यू देना है, मेरे को तो आईपैड चाहिए। वो जो जोश तुमने अप्रैल में स्टार्टिंग में लिया था, वो जोश जो ठंडा हो गया था कंफर्ट जोन में आके, अब तुम्हें एक पुश चाहिए जिससे कि तुम इस टारगेट को अचीव कर पाओ, इस 95% को 98% को अचीव कर पाओ। देर अभी भी नहीं हुई है, अभी भी तुम कर सकते हो। दो चीजें तुम्हारी तरफ से चाहिए। सबसे पहली चीज है कमिटमेंट, अब तुम्हें लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो गोल तुम लेके बैठे थे ना, ये जो एम तुम लेके बैठे थे कि भैया 95% लेके आने हैं, ये 95% का एम ना अपने सर पे लेना पड़ेगा कि हाँ यार अब लेके आऊंगा। उठाओ, नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया मैं लेके आऊंगा, हाँ भैया मैं लेके आऊंगी, हाँ भैया मैं 95% लेके आऊंगा, नीचे लिखो कमेंट में, सामने लिख के चिपका दो। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, पर सबसे पहली चीज है कमिटमेंट। अब वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ये सबसे पहली चीज है। और सेकंड जो चीज है वो होगी कंसिस्टेंसी। दुनिया में ना सबसे मेन चीज है कि तुम कंसिस्टेंट रहना सीख जाओ। दुनिया में सबसे मेन चीज है कि तुम धीरे 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 करके एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ो, तुम पक्का जीतोगे। और वो स्टेप के लिए ना अब हम तुम्हारे सामने लेके आ गए हैं तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट की मैराथन। ये जो तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेस्ट आ रहे हैं, इसमें हम लेके आए तुम्हारे लिए मैराथन्स। और ये मैराथन्स जो है, ये है फ्री मैराथन्स। ये वो मैराथन्स हैं जो कि हम हर बार साल के एंड में देते हैं, पर इस साल हमने सोचा है कि जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई एसएसटी में द लेजेंड दिगराज सर, साइंस में द लेजेंड प्रशांत भैया, मैथ्स में मैं, इंग्लिश हिंदी हर एक सब्जेक्ट की मैराथन हम लेके आ रहे हैं। तुम्हारी तरफ से बस कंसिस्टेंसी चाहिए, तुम्हारी तरफ से चाहिए कि हाँ यार ये जज्बा होना चाहिए कि भैया अभी तक कोई बात नहीं कंफर्ट जोन में आ गए थे, भैया अभी तक कोई बात नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे, अब चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, अब वो जो बैकलॉग की फाइल बन चुकी है, अब जो वो पूरा एक
गुत्था बन चुका है उस गुत्थे को उठा के खत्म करना है। ये 5 दिन है, इन 5 दिन तुम्हारे साथ हमारे साथ लग जाओ। इन 5 दिन के बाद तुम देखोगे कि हाँ यार, जितना अभी तक बैकलॉग था ना, सब उखाड़ के फेंक दिया, इस लेवल की मैराथन होने वाली है। फ्री है, एक पैसा नहीं लिया जाएगा, पर ये मैराथन शर्त ये है तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ रहना पड़ेगा। पहले दिन पे तुम्हें लगेगा कि बहुत यार जोश के साथ बैठे, भैया पहले दिन 25 तारीख को एसएसटी की मैराथन है। एसएसटी की मैराथन होगी आपके दिगराज सिंह राजपूत डीएसआर चैनल पे, जो दिगराज सर का चैनल है उस पे होगी पहली मैराथन। तो 25 तारीख को शाम को 5 बजे तुम बैठोगे, फुल जोश के साथ बैठोगे, 4-5 घंटे पढ़ोगे। मन करेगा यार 26 तारीख को छोड़ देता हूं। 26 तारीख को आपकी इंग्लिश की मैराथन है नेक्स्ट टॉपर्स चैनल पे, ठीक है, हिंदी की मैराथन है नेक्स्ट टॉपर्स चैनल पे। इंग्लिश हिंदी की बेस्ट टीचर्स हम लेके आए हैं, तुम पढ़ोगे तुम अपने आप देखोगे यार कितने सही टीचर्स हैं। ये सारे वो टीचर्स हैं जो आरंभ बैच में पढ़ा रहे हैं। तो पॉइंट इज, एसएसटी दिगराज सर लेंगे इंग्लिश के लिए नेक्स्ट टॉपर चैनल पे, हिंदी के लिए नेक्स्ट टॉपर चैनल पे, मैथ्स मैं ले रहूंगा शोभित निर्वाण इसी चैनल पे, साइंस जो है आपके प्रशांत भैया ले लेंगे ईएक्सपीएफ प्रशांत किराड़ चैनल पे, ईएक्सपीएफ 9th-10th वाला चैनल जो है उस पे ले रहे होंगे। तो ये जो है ना, ये बेस्ट टीचर्स हैं, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। पॉइंट ये है, तुम्हारे को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। पहले दिन खूब कंसिस्टेंट रह के रहोगे, दूसरे दिन मन करेगा छोड़ दो फिर भी आना है, तीसरे मन करेगा छोड़ दो फिर भी आना है, चौथे दिन फिर मन करेगा कि यार कोई बात नहीं यार बाद में देख लेंगे। नहीं, जो लाइव देखने वाली चीज है ना, उसको लाइव देखना। हमारी तरफ से हम 110% दे रहे हैं, हम चाहते हैं तुम भी 110% दो, 120% दो, और सारी लेक्चर सारी मैराथन को लाइव अटेंड करना है। ये मत सोचना बाद में देखूंगा, बाद में नहीं दिखा जाता, बाद में कभी नहीं देखा जाता। इन 5 दिन पे हम आरंभ बैच में कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, हर एक बच्चे की छुट्टी कर रहे हैं जिससे सब रिविजन कर सके। हम ये चाहते हैं कि इंडिया का हर एक बच्चा इस समय पे हर एक चीज को रिवाइज कर ले, एक पेस पे आ जाए। तो हर एक जो आपके चैप्टर, हर एक आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके शुरू के जो चैप्टर्स हैं, वो कवर करवा रहे होंगे इन लाइव मैराथन्स पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैराथन होने वाली है, चीजों को उखाड़ के फेंकने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो सारे कवर कर रहे होंगे हम आरंभ 2.0 में, ठीक है। जो आरंभ बैच इन्होंने ले रखा है बहुत बढ़िया, जिन्होंने 2.0 ले लिया है बहुत बढ़िया। अभी किसी का मन है लेने का तो वो ले सकता है। आपका जो मतलब एनरोलमेंट्स है वो थोड़ी टाइम में क्लोज होने वाली है। कोड आपका है नेक्स्ट 200, जिससे कि आपको 200 का ऑफ मिल जाएगा। तो मेन चीज ये है कि मैराथन्स में बैकलॉग कवर करो, और उसके आगे के लिए इस गाड़ी में सवार हो जाओ। इस गाड़ी में बेस्ट टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस आपकी होने वाली हैं। पीछे का यहाँ पे कवर करोगे, उसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे लाइव होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका प्राइस, मतलब वैसे तो 2000 प्राइस है, पर उसमें 200 का ऑफ होके ये 1799 का बढ़ जाएगा। मतलब एक तरह से मोटा मोटा 1800 रुपए का ये प्राइस रहेगा। कोड रहेगा नेक्स्ट 200, तुम लगाओगे चेकआउट पे जाके। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ऐप का लिंक है, जाओ जाके मतलब ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट दिखेगा 2.0। तो आरम 2.0 पे क्लिक करके बाय नाउ करके आप जैसे भी ऑप्शन होते हैं वो सब आपको पता है। पॉइंट इज कंसिस्टेंट कमिटमेंट, इस साल लेके आना है तो लेके आना है। पीछे की चीजें हम कवर करवा रहे हैं, आगे भी हम कवर करवा रहे हैं। पॉइंट ये है कि अब तुम साथ में हो, अगर तुम साथ में हो तो हर एक चीज हो जाएगी, हर एक चीज पॉसिबल है। पॉइंट है माइंडसेट बनाना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है मेरी जान। कमेंट आ जाना चाहिए, हाँ भैया इस साल 95% लेके आऊंगा, हाँ भैया इस साल 95% लेके आऊंगी। आरम 2.0 में तुम्हारा इंतजार है, बिल्कुल बहुत खुले हाथों से तुम सभी का वेलकम है। आओ इंडिया के बेस्ट बैच में, इंडिया का सबसे ज्यादा पावरफुल बैच जो कि क्लास 10th के लिए आरम 2.0, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मतलब 5 सब्जेक्ट के लिए इतना कम प्राइस है, पूरे साल के लिए जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होगी जब तक के लिए प्राइस है। ले लो, मिलते हैं आरम 2.0 में और मिलते हैं इन मैराथन्स में, ठीक है। ये दोनों मैराथन नेक्स्ट टॉपर्स पे हो रही होंगी और ये तीनों हमारे पर्सनल चैनल पे हो रही होंगी। टाइम डेट वेट स्क्रीनशॉट लेना, लेके सामने चिपका दो। 5 बजे कहीं नहीं जाना है इन 5 दिनों में। 25, 26, 27, 28 की छुट्टी है, 29, 30 ये 5 दिन है, इन 5 दिनों में रहना है और आग लगानी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई पढ़ना है फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय, जाओ पढ़ लो बाय। अब YouTube पे YouTube बंद करो, इन दिनों पे दिखने चाहिए तुम सिर्फ YouTube पे। चलो बाय 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 बाय, जाओ पढ़ लो बाय बाय बाय।